हेलो एवरीवन, दिस इज़ 1822। आप सभी का स्वागत है ग्राउंडेड में। और यहाँ पर हमें वूल स्पाइडर मिली है और हमने ढेर सारे एरोस कलेक्ट करे, उसको मारने वाले हैं आज हम। आज हमारी फर्स्ट वूल स्पाइडर को निपटा दिए। इसको बहुत सारे लगने वाले हैं, पर ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम इसको फंसा के मार सकते हैं। और इसके पास में एक और वेब वीवर भी घूम रही है, पर उसको अभी एग्रो नहीं हुई है, सिर्फ यही एग्रो है हमारे ऊपर। मुझे लग रहा है कि हमारे 50 एरो भी कम पड़ेंगे इसके लिए। मुझे वापस जाना पड़ेगा उठाने के लिए नीचे, क्योंकि मैं अगर इससे नीचे जाके फाइट लूँगा ना तो ये मुझे 2 हिट में तो ख़त्म कर देगी, क्योंकि इसका डैमेज बहुत ज़्यादा है। बस नॉन स्टॉप मारते रहो उसको, जितने एरोज मार सकते हो। वन मोर एरो डेड। Let's be. Come on, come on. Nice. Finally. और ये हमारा नया म्यूटेशन खुला है। क्या है? मिथ्रिडाजियम। नाइस। ये हमको शायद से पॉइजन रेजिस्ट कराता है। यस। देखो हमें जो पॉइजन होता है ना वो हम रेजिस्ट कर सकते हैं अब। नाइस वन। यहाँ पर एक मोलर भी है, वो रहा, इसको ले लेते हैं इससे पहले कि वो स्पाइडर हमारे पर कूदे। वीवर, वेब वीवर। नाइस वन। मिल्क मोलर, वन मोर। तो ये इसी की प्रोटेक्शन करती रहती है वूल स्पाइडर बैठे बैठे। चलो अब हम चलते हैं हमारे घर पे सीधे। इसको हम वूल स्पाइडर को मार के आ गए वापस हमारी बेस में, और हमें फैंग्स मिले हैं, ये रहे। अब इसकी मदद से हम बना सकते हैं हमारा स्पाइडर, ये रहा इंसेक्ट बो। इसलिए आपको स्पाइडर फैंग्स चाहिए रहते हैं, और स्पाइडर फैंग्स आपको सिर्फ और सिर्फ शायद वूल स्पाइडर को मार के ही मिलता है, प्लस 2 स्किल्स और स्पाइडर चंक्स के वी आर गोइंग टू क्राफ्ट। इसका डैमेज देखो, ये नॉर्मल वो से इतना ज़्यादा है। एंड फिर हम क्रॉसबो बनाएंगे, पर क्रॉसबो का एक डाउनफॉल है कि उसका जो फायर रेट है वो बहुत स्लो है। नाइस, आ गया हमारा इंसेक्ट पो। नाइस। और मुझे इसका डैमेज टेस्ट करना है। ये जो चीटी है ना, ये चीटी जो नॉर्मल वो है उसके 3 या 4 शॉट में मरता है। अब इसमें देखते हैं कितने शॉट लगते हैं हमें। 2 शॉट, ईजी क्लैप। देखा ये डिफरेंस है ये वाले बो और उस बो में, और वाले बो को मैं वापस रख देता हूँ अंदर। 2-3 चीज़ें और बनानी है हमें, जो है एक और शील्ड बनानी है, ब्लैक एंड शील्ड। ये हम गार्ड करने के लिए ब्लॉक स्ट्रेंथ इसकी बहुत अच्छी है, और इसके लिए ब्लैक एंड पार्ट चाहिए रहता है, बैरी लेदर और रेड एंड पार्ट। क्राफ्टेड, ये हमारी फर्स्ट शील्ड है जो हम यूज़ करेंगे। सो और हाँ, मैंने बहुत सारे टूल्स कलेक्ट कर करके हमने हमारे म्यूटेशन जो अनलॉक कर लिए हैं। देखो ये वाला म्यूटेशन है शार्प शूटर वाला, इसमें आप जो एनिमी हो उसको थोड़ी देर के लिए स्टैक कर सकते हो। ऑलराइडी, तो हमने म्यूटेशन भी अनलॉक करे हैं। एक है शार्प शूटर वाला जो बो एंड एरो से होता है, अगर इतने ज़्यादा आप किल लेते हो उसके बाद वो अनलॉक हो जाता है। ये रहा हमारा म्यूटेशन शार्प शूटर वाला, इससे आप स्टैगर कर सकते हो एक एनिमी को दूर से अगर मारते हो तो। देन ये बारबेरियन हमारा लेवल 3 हो गया है, मीट शील्ड अभी और नहीं बढ़ेगा। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं आज, हम नया एरिए पे जाने वाले हैं, जो कि वहाँ से मिलेगा हमारे जो ये मशीन है फ्रैंकी, इसके जस्ट पीछे हमने जंप पैड्स लगाए हमारे, ये रहे वेब वाले, और ये हमें लेके जाते हैं ऊपर की ओर। नाइस, ये हम प्लेटफॉर्म पे आ गए। ये हमारे जस्ट घर के पीछे जो एक एरिया है उस वहाँ पर, जो कि अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, हमने अभी एक्सप्लोर नहीं किया है। ओके, लेट्स सी क्या मिलता है हमें यहाँ पर। यहाँ पर शायद एक और नया क्रीचर है जिसको मैंने शायद वो टेबल के वापस कैन किया था, वो द हेक इज दैट। ओके, हमारे नए शिकार हैं यहाँ पर जिसको हम टेस्ट करेंगे। ये रहा, इसको देखते हैं कितना डैमेज देता है हमारा नया वो। इसके लिए शायद से स्मैशिंग या स्लैशिंग लगती है आई गेस, पर वो फंस चुका है इसलिए हम ले रहे हैं शॉट हमारे। ये ऐसे ईजिली बन जाता है, इसके ऊपर बोयानर इतना अच्छा काम नहीं करते हैं। एंड इज डेड। ओह, टफ गैंग गंक मिला है। टफ गंक ये मुझे फर्स्ट टाइम मिला है। व्हाट द हेक, ये क्या नया क्रीचर था क्या? पर मैं तो उसको मार चुका हूँ मैं। ओके, ये देखो, ये है, दिस इज
रॉली पॉली, और ये बहुत ही डेंजरस है पता है। इसका हार्ड शेल है और ये वैसे तो पैसिव वो है, पर जब आप इससे लड़ते हो ना तो ये रोल करता है और आपकी तरफ आता है और उड़ा देता है आपको। अभी मैं इससे पंगे नहीं लूँगा, पर हम बस इसको चेकआउट करने आए थे यहाँ पर। यस, ब्लैक व्हील ऑफ डेथ। रोली पॉली से अभी हम फाइट नहीं करेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या क्या है आस पास कहीं, तो ये बता रहा है कि रॉ साइंस है। ओह, लैब, अ फील्ड स्टेशन, नाइस। ओके, यहीं पर मैं एनालाइज करता हूँ, देखते हैं इससे क्या बनता है। रॉक कंक से थर्माइट एक्स, ओ माय माय, एक और एक्स की रेसिपी खुली है हमारी। ओके, अब हमारा एक और फील्ड स्टेशन खुल गया है यहाँ ऊपर की तरफ। यहाँ पर एक मिल्क ही मोलर तो होना चाहिए। मिल्क मोलर, वेट ए सेकंड, व्हाट द हेक इज दिस? ये बारबेक्यू का वो ऊपर का वाला हिस्सा लग रहा है मुझे। एंड म्यूजिक चेंज हो गया यहाँ तो। एश पाइल है ये, क्या जगह है ये यहाँ पर? यहाँ पर दो वुल्फ स्पाइडर है जिसको हम अवॉइड करेंगे अभी तो। ये थोड़ी इंटरेस्टिंग प्लेस लग रही है। यहाँ पर मुझे नए क्रीचर्स मिलने वाले लगता। पूरा चक्कर लगा के आते हैं और हम कितना एक्सेस कर सकते हैं। हम यहाँ से चढ़े थे, यहाँ से लेकर पूरा इतना हम पूरा एक्सेस कर सकते हैं, तो हम पूरा एक्सप्लोर करके आएंगे इसको। ठीक है, मिक्सर है यहाँ पर भी। ये मिक्सर से पता है क्या होता है, इससे बॉस स्पॉन होता है। न्यू क्रीचर स्क्रैबर। चलो, हमें हर लेवल पे नए क्रीचर्स मिलेंगे लग रहा है। क्या देता है ये? ट्विंकलिंग शेल, इससे क्या बनता होगा? ये हमको स्कैन नहीं करने, एनालाइज करने का नहीं बोल रहा है। ऑलरेडी एनालाइज है क्या ये? ओके, तो ये पिकनिक टेबल है जिस पे अभी भी हम गए नहीं हैं। मुझे ये ऐश पाइल में जाना है, देखते क्या है। व्हाट इज दिस? चारकोल हॉट स्प्रिंग्स अनलॉक्ड। ये वही बबूचक है जो हमें पहले मिला था। देखा जाए तो एरो से अब इसको ज़्यादा डैमेज मिला। रुक रुक रुक, मुझे इसको स्कैन करना है। लेडी बर्ड लावा, कम ऑन, नाइस, उठा लिया हमने। ओके, लार्वा स्पाइक मिला है। ये है लेडी बर्ड लावा, स्टैबिंग और फ्रेश। इसकी वीकनेस है, लेवल 3 है ये, देखो क्रीचर लेवल 3। वुल्फ स्पाइडर से भी ऊपर है ये, व्हाट द हेक। ओके, यहाँ पर कुछ तो चमक रहा है, देखो वहाँ पर एक और है। ऐसा क्यों लग रहा है मेरी स्पीड यहाँ पर थोड़ी स्लो है? इनका डैमेज बहुत ज़्यादा होने वाला है। डेड। चलो, मैं बोल रहा था ना कुछ तो चमक रहा है यहाँ पर, उसको हम चेक करते हैं। देखो यहाँ पर शायद हम शवल से अगर इसको खोदे कुछ निकल के आएगा क्या? नहीं, हमें लेवल 2 का बरी ट्रेजर है यहाँ पर। ओह नाइस, मुझे लेवल 2 का शवल चाहिए रहेगा इसको खोदने के लिए। सैड लाइफ। चलो चलो, हम जल्दी से जाते हैं। लेवल 2 का शवल शायद मैं बना सकता हूँ क्योंकि हमारे पास टूल्स हैं उसके लिए, लेवल 2 के लिए। लेवल 2 शवल, ये रहा। ब्लैक एंड मैंडिबल्स नहीं है, नहीं अभी नहीं मिलेगा क्योंकि हमने अभी तक चीटियों को मारा नहीं है। ये क्या है यहाँ पर? पिट, छोटा सा। What the heck? चलो, जला डाला इसने तो हमको। दूसरा आर्मर पहन के आना पड़ेगा जब हम सर्वाइव कर पाएंगे यहाँ। सी, ज्यादा पास नहीं जा सकते हम उसके। वो देख रहे हो, ये अंगार है, ऊपर भी नहीं जा सकता शायद मैं, या फिर कुछ ऐसे स्पॉट्स हो जहाँ से हम निकल के जा सकते हैं। There is a possibility. क्या मस्त लग रही है जगह, देखते कहीं से तो होगा ऊपर चढ़ने का जगह। सिजलिंग हॉट बता तो रहा है यहाँ पे। ओ या, ऊपर आ गया मैं, ऑलमोस्ट जला था। ओके, हम ऊपर आ गए और ये अब इसके ऊपर वाला एक और लेवल है। वो रहे थे कोई वुल्फ स्पाइडर नीचे, दो दो बैठे हुए। देखते हुए क्या है ये, क्या पाउच पड़ा हुआ है? ये चारकोल बैग है शायद, आई थिंक, देख के तो ऐसे लग रहा है चारकोल बैग है। पता चला डॉग आया, हाँ ये चारकोल बैग ही है। हमें अगर एक और फील्ड स्टेशन मिल जाए, इसलिए मैं एकदम डीप जा रहा हूँ।
ये साइकिल पड़ी है, देखो उधर एक बाइसाइकिल पड़ी है। ये ब्लैक मशरूम, ब्लैक मशरूम से क्या होगा, काट सकते क्या हम इसको? हाँ चॉप कर सकते हैं। ओके मशरूम चंक मिला है नया एक और। सो ये देखो ये छोटा सा एक हट है जिसके सामने हम आ गए हैं, जो कि इस गार्डन में बना हुआ। ये हट का पोर्च है ये सामने वाला, और ये एरिया काफ़ी बड़ा है, देखो कितना बड़ा है। वाव, यहाँ से लेकर तो हम एक नए, पूरे एक नए वर्ल्ड में आ चुके हैं। ऊपर वाले पोर्च में और ढेर सारी चीज़ें हैं यहाँ पर करने को। एक जो बर्गल की चिप है ना वो यहाँ पर भी है, मिसिंग चिप, दो चिप्स है, एक इधर पीछे है और एक ऊपर की। नाइस, बाप रे यहाँ पर क्या क्या इंसेक्ट बर्ग्स एंड एनिमल्स होंगे, गॉड नोज। चलो हम बाइसाइकिल पे चल के आते हैं। व्हाट इज दिस? अच्छा क्ले पॉट है। ये क्या है? स्टडी क्वार्ट्ज, इसको तो मैं तोड़ सकता हूँ, पर अभी हम रिसोर्स गैदर नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। और ये कुछ स्पाइडर, वी आर गोइंग टू होप ऑन दिस साइकिल। वाओ हम साइकिल के टायर पे आ गए। नाइस। ए सैम स्क्वाच डर्ट बाइक, हम पोर्च पे भी जा सकते हैं। लॉल खतरनाक है ये तो। ए व्हाट इज दिस? अच्छा ब्लैक सोल्जर एंट है। ओ ये मिली है, इससे मैं बना सकता हूँ। मैं इसे इन्हीं को ढूंढ रहा था, इनसे हम क्या बना सकते हैं? आप शवल बना सकते हैं, जो ट्रेजर जिससे डिग करते हैं ना वो वाला। और ये हमारी ब्लैक एंट है, ब्लैक वर्कर एंट। ये तो हमें नीचे मिल गई थी जिनको हमने मार भी दिया था, पर हमको तलाश है वर्कर एंट्स की, सोल्जर एंट की, उनको मारेंगे हम। ब्लैक सोल्जर एंट स्टैबिंग, वीक पॉइंट आइज है। नाइस, हमें हेड चाहिए इनके, सोल्जर एंट के। चलो नीचे चलते हैं। वैसे ये इतना गुस्सा क्यों है हमसे? वाई सो मैड, वाई सो मैड ब्रो। ये रही शीश। मेरी स्पीड इतनी स्लो क्यों हो गई है? फॉर सम ऑड रीजन ऐसा लग रहा है मैं बहुत स्लो स्लो भाग रहा हूँ। मत कूदना, नहीं कूद सकती। हे हे, गॉट हिम। ऊपर आने की कोशिश कर रही पर नहीं आ सकती, थक गया मैं। होपफुली मैं नीचे ना गिरूँ, नीचे गिरा ना तो मर जाऊँगा। हम वार्म कर सकते हैं यहाँ पर बैठ के। ए अरे हाँ, मेरे पास एक म्यूटेशन है, मैं उसको क्यों नहीं चालू कर लेता? म्यूटेशन फॉर एंट्स, नॉइस, एंट डैमेज बढ़ता है हमारा इससे। मेरे पास 28 एरोज हैं, होपफुली मर जाएंगे। मैं सोल्जर एंट्स को मार रहा हूँ, 18 एरोज में हो जाएगा शायद इसका भी काम। वन मोर डेड। अभी छोटी देखते हैं कितने लगते हैं इनको डैमेज, इनको भी लग तो रहा है अच्छा खासा। अब इनको दूर लेके जाता हूँ। वो एग्रो गया, हमारे पास हेड आ गया है, मैंडिबल हेड। अब हम क्राफ्ट कर सकते हैं। देखो ब्लैक एंट पार्ट मेरे पास काफ़ी सारे हैं, एंट हेड हैं कि नहीं? एक हेड चाहिए जो कि मेरे पास शायद हो सकता है एंट हेड घर पर। मैंडिबल्स चाहिए थे, दो मिले, दो नहीं हमें चार मिले। निकलो यहाँ से, इससे पहले कि हमारे ऊपर कूदने लग जाएं, भागो। चलो अब सीधे हम मिलते हैं आपसे घर पर, जो कि बहुत दूर है। अब हम आ गए हमारे घर पे वापस, और जो चीज़ हमें बनानी थी खजाना खोदने के लिए, उसका मटेरियल अब आ गई हमारे पास। देखो मैंडिबल, ब्लैक एंट हेड एंड ब्लैक एंट पार्ट, क्राफ्टेड। यस, कहाँ हमारा नया ब्रांड न्यू शवल?
अब हम इससे डिक कर सकते हैं वो ट्रेजर जो हमको करना था। अब हम चलते हैं फील्ड स्टेशन पे और देखते हैं कि हमें जो नई चीज़ें मिली उनसे हम और क्या क्या अनलॉक कर सकते हैं, हमें इससे थोड़ा सा रॉ साइंस भी मिल जाएगा। लेट्स गो। एक हमें ब्लैक मशरूम मिला था, इससे शायद क्या निकलेगा, मशरूम स्लरी मिला है। हम लेवल हमारा लेवल है 8 होने वाला है। और ये ब्लैक एंड हेड, ओह ब्लैक एंड स्वॉर्ड, चेस्ट प्लेट भी मिली। जीज। चलो अब ये मकड़ी आ ही गई है ना, इसको बताते हैं हु इज द बॉस। शिट, दो दो, नो आई एम नॉट द बॉस। ओके, हमारे पास दो तीन नई चीज़ें आई हैं क्राफ्ट करने को। ये है ब्लैक एंट स्वॉर्ड, इसकी स्पीड देखो इनसेन है, इनसेन। और ये हम क्राफ्ट भी कर सकते हैं, हमारे पास सारी चीज़ें हैं इसको बनाने के लिए। एंड एक और शील्ड आई है, नहीं चेस्ट प्लेट मिली है हमें, ब्लैक एंट की चेस्ट प्लेट है शायद, हाँ ये रही लेडी बग चेस्ट प्लेट, नहीं ये नहीं है, ये है इसका आर्मर 10% रेजिस्टेंस करता है, क्रिट आफ्टर ब्लॉक एंड मीडियम आर्मर है। इसके लिए हमें बस बी फर्स्ट चाहिए, बी को अभी तक हमने मारा नहीं है। ओके, इस छोटी स्पाइडर पे हम ट्राई करेंगे हमारा नया वाला बुक, ये दोनों आ जाएंगी, लेट्स सी। ये ठीक है, इतना ज़्यादा डैमेज नहीं दे रहा है, इससे अच्छा तो ये हमारा हथौड़ा है, ये इसको स्टन भी कर देता है। शी इज डेड। सो स्पाइडर्स पे बो एन एरो इतने खास नहीं है, वुल्फ स्पाइडर पे हम दूर से उसको चीज करके मार सकते हैं, बट ये हमारा हथौड़ा ही अच्छा है, स्लैशर। ओके सो इस एपिसोड में इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में हम जाएंगे ग्राउंडेड के उस जहाँ पर वो बारबेक्यू पड़ा था उनका, और वहाँ पर जाके हम ट्रेजर देखेंगे कि ट्रेजर में हमें क्या मिलता है। हमारा आज हमने शील्ड भी बना लिया है, हमारा बो बना लिया है, एंड एक मॉस वाला शॉल भी। और नेक्स्ट एपिसोड में हम हमारा ड्रैगर भी बनाएंगे और देखते हैं वो उससे कितना डैमेज मिलता है। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू।